नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं स्पिन आई न्यूज। क्या सोनिया गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या राहुल गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? है ना हैरान करने वाला सवाल, चौंकाने वाला। लेकिन मैं आज अब खुलकर कह सकता हूँ कि कांग्रेस में जो स्थिति है, कांग्रेस में जो सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस में जो परेशानी पैदा हुई है, कांग्रेस में इस वक्त जो जद्दोजहद चल रहा है, जो चक्रव्यूह बन रहा है, इन तमाम चीजों के आधार पर अगर सोनिया गांधी या राहुल गांधी इस्तीफा देते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आइए आपको बारीकी से समझाता हूँ। हम सब ने देखा पहले हार्दिक पटेल, हमने देखा सुनील जाखर, फिर कपिल सिब्बल। जैसे अगर नेता इस्तीफा दे रहे हैं, अगर कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं, और इसके बावजूद भी अगर घमासान मच रहा है, क्योंकि आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद भी दामन छोड़ने वाले हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। वो कह रहे हैं, बार बार धमकी दे रहे हैं पार्टी छोड़ने की, तो फिर आखिर आपसे जब पार्टी संभाला नहीं जा रहा है, आप CWC की मीटिंग करती उसमें कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, आप मोदी के खिलाफ लड़ने से, केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए प्लान बना रही हैं जो फ्लॉप हो रहा है, जो रणनीतियां बना रही हैं वो पूरी तरह से जो है फ्लॉप हो रहा है, जो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा, फिर आप काहे के अध्यक्ष हैं? फिर आप किस बात के अध्यक्ष हैं? फिर आप किस बात के कांग्रेस की जिम्मेदारी ले रहे हैं? एक तरफ जहां उनके नेता चापलूसी कर रहे हैं वो तो ठीक है, अपने मजे में, क्योंकि सत्ता बचानी है उनको, जैसे कि अशोक गहलोत है, लेकिन वो नेता जो आपका दामन छोड़ रहे हैं वो आपको बड़ी झटका दे सकते हैं। एक तरफ सचिन पायलट का, वही हम सब देख रहे हैं कि नाराज चले। तो देखिए, कांग्रेस में इस वक्त जो बद से बदतर हाल होता जा रहा है, कांग्रेस में जो लापरवाहियां हम और आप सब देख रहे हैं, और जिस तरीके से देश के तमाम राज्यों में से कुछ ही राज्यों में उनकी सरकार बची है, इन सबको देखते हुए का जो परफॉर्मेंस है कांग्रेस का इस वक्त, कहा जा सकता है कि कांग्रेस में बेहद ही बदलाव की जरूरत है। और अगर सोनिया गांधी इस्तीफा नहीं दे रही हैं तो वाकई में उन्हें सोचने और समझने की जरूरत इस बात की है कि कैसे वो बदलें और किसी अन्य पार्टी को मौका दे, एक नेता को मौका दें। क्योंकि हम सब ने देखा कि जब प्रशांत किशोर, जो चुनावी रणनीतिकार हैं, वो पार्टी में जब शामिल होने वाले थे तो कहा जा रहा था कि शायद उन्हें अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन सोनिया गांधी ने इतनी शर्त रख दी कि लास्ट में जो है प्रशांत किशोर को उनके ऑफर को ठुकराना पड़ा। तो अब देखना होगा कि आखिर क्या कांग्रेस ऐसे ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि धमकी पे धमकी, चेतावनी मिल रहे हैं पार्टी छोड़ने की, और एक तरफ ये लोग झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कभी राहुल गांधी लंदन तो कभी नेपाल घूमते नजर आते हैं, मोदी सरकार पे हमला कर नहीं पाते हैं, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं, उसकी रणनीति नीतियां क्या है इसका था पता नहीं है, कांग्रेस में खुद ही टिकट को लेकर घमासान, राज्यसभा पर बवाल मचा हुआ है, जवाबदेही कोई नहीं है। देखते हैं कि आखिर सोनिया गांधी खुलकर कब बोलती हैं इस तमाम मुद्दों पर, आज जो नेता इस्तीफा दे रहे हैं आखिर उसको कैसे संभालेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए, आप दर्शक क्या सोचते हैं हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहें SPN I News। नमस्कार।